हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 107, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 12 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ मन करता है कविता से लिया गया है। बच्चों, इस कविता को आप इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। इस वर्कशीट में आज हम करने वाले हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश क्या होता है? बच्चों, पद्य का मतलब होता है कविता और अंश मतलब होता है कविता का एक हिस्सा। ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने कविता मन करता है पूरे उत्साह और आनंद के साथ पढ़ी होगी और उचित लय ताल के साथ गाई भी होगी। बच्चों, नीचे इसी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो हमने क्या पढ़ा था कि इस कविता में एक बच्चा था जिसका मन कभी तितली बनने को करता था ताकि वो दूर दूर तक उड़ता जाए, और कभी उसका मन करता था कि वो एक कोयल बन जाए ताकि वो सबको मीठे मीठे बोल सुनाए, और कभी उसका मन करता था कि वो चिड़िया बन जाए और ची ची चू चू करके शोर मचाए। तो बच्चों, आओ अब हम इन पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न देखिए, बच्चे को कोयल बनकर क्या करने का मन करता था? तो बताइए कि बच्चे को कोयल बनकर क्या करने को मन करता था? बिल्कुल सही, बच्चे को कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाने को मन करता था। तो आप यहाँ लिख देंगे, बच्चे का मन कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाने को करता है। ठीक है। प्रश्न ख, आपने भी कभी चिड़िया की तरह शोर मचाया होगा, बताइए आपने कब कब बहुत शोर मचाया और क्यों? तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और बताना है कि आपने कब कब बहुत शोर मचाया। जैसे कि हो सकता है आपने कक्षा में शोर मचाया होगा, या फिर आपने पार्क में शोर मचाया होगा, या फिर आपने घर में शोर मचाया होगा। तो इस आंसर को आप अपने हिसाब से लिखेंगे। प्रश्न ग, यदि आपको एक दिन के लिए जादू की छड़ी मिल जाए तो आप उससे क्या क्या करना चाहेंगे? तो बच्चों, अगर आपको एक दिन के लिए ये जादू की छड़ी मिल जाए जिसे घुमाकर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उससे क्या क्या करना चाहेंगे? शायद आप उसे घुमाकर घूमना चाहेंगे, या फिर शायद आप कुछ खाना चाहेंगे, या फिर शायद आप नए कपड़े पहनना चाहेंगे, या फिर शायद आप कोई पार्टी करना चाहेंगे। तो जो भी आप करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न दो, पहेली सुलझाइए और उसका चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, आपको नीचे एक पहेली दी हुई है, आपको इस पहेली को पढ़ना है, सुलझाना है और उसके बाद उसका चित्र भी बनाना है। आइए देखते हैं। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। जल्दी से बताइए इस पहेली का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा पतंग। बच्चों, यहाँ पर पतंग को कागज का घोड़ा कहा गया है। आपने देखा होगा कि पतंग कैसी होती है? कागज की होती है, और उसे किससे बांधा जाता है? धागे से बांधा जाता है। वही धागा उस पतंग को कंट्रोल करता है, और अगर आप उस धागे को छोड़ दोगे तो पतंग बहुत दूर तक उड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है? पतंग का चित्र बनाना है। ठीक है, और उसमें रंग भी भरना है। प्रश्न तीन, बच्चों इस चित्र को देखकर आपका क्या मन कर रहा है, लिखकर बताइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक जोकर का चित्र दिया गया है, तो बताइए कि इसे देखकर आपका मन क्या कर रहा है। जैसे कि कविता में एक बच्चा था जिसका मन बहुत कुछ बनने को करता था, तो आपका मन इस जोकर को देखकर क्या कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि मेरा मन तो इस चित्र को देखकर जोकर बनने को कर रहा है ताकि मैं सबको खूब हंसा सकूं।
तो आपको यहाँ पर अपना आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। बच्चों, सभी जानते हैं कि दीपावली आने वाली है और आप सबका पटाखे जलाने का बहुत मन होगा। पर बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि जब इन पटाखों को जलाया जाता है तो इनमें से कई सारी गैसें वायु में घुल जाती हैं, जो कि बहुत हानिकारक होती हैं और मानव जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसी वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का होना। बच्चों, इस बार आप कोशिश करें कि पटाखों को ना जलाएं और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।